विजयपुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक संघ ने न्याय यात्रा निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। न्याय यात्रा शहर के बस स्टैंड से तहसील परिसर तक निकाली गई है। ज्ञापन में अतिथि शिक्षक अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हेलो नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, ठीक है। धार, सागर और नर्मदापुरम से, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मैं इमेज भी आपको दिखाने वाला हूँ कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर धार, सागर और नर्मदापुरम में रैली निकाली गई अतिथि शिक्षकों द्वारा और मांग की गई कि इनका पदस्थायी किया जाए। पूरी विस्तार से जानकारी दे रहा हूँ, वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपडेट पाने के लिए। धार खबर है, इसमें बोला गया अतिथि शिक्षकों ने बोला है कि अन्य राज्यों की तरह इनका भी नियमितीकरण किया जाए, जैसे अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, अन्य राज्यों ने अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार भी अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करे, उनका पद रिक्त न मानते हुए 12 माह का सेवाकाल दिया जाए, पद स्थगित किया जाए, वेतन वृद्धि और वेतन दुगुना किया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। एक इनकी एक ही मांग है कि या तो इनकी विभागीय परीक्षा लेकर इनको नियमित किया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। जो अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, अनुभव है, डीएड बीएड है, उनको प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के पदों पर नियोजित किया जाए। और अतिथि शिक्षकों के लिए या तो गुरुजियों की तरह भविष्य सुरक्षित किया जाए, पद स्थगित करते हुए संबंधित अधिकारियों से उचित कार्रवाई करने के निर्देश देने का कष्ट किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सरकार से इनने मांग की है कि इनका पद स्थायी किया जाए। इनने कई मांगें रखी गई हैं सरकार के सामने। एक तो अतिथि शिक्षकों ने बोला या तो गुरुजियों की तरह इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, या तो जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है उनको नियमित कर दिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स, या तो अतिथि शिक्षकों को 12 माह का सेवा काल दिया जाए, या पद स्थायी किया जाए, और या तो वेतन दुगुना कर दिया जाए और 12 माह का सेवा काल दिया जाए। ये बहुत सी मांगें अतिथि शिक्षकों के द्वारा रखी गई हैं, पूरे प्रदेश भर में मांग की जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। रैली निकाली जा रही, ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि इनको 14-15 वर्ष हो चुके हैं अतिथि शिक्षकों को कार्य करते हुए, तब इनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। पूरे प्रदेश भर में सरकार से गुहार लगा रहे हैं, ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।